हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। लास्ट हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से कंप्लीट किया है। आज जो हमारा स्पेशली ये जो सिलेबस हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो HPSC PGT सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में गिवन है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस वहाँ पे जो टॉपिक्स मेंशन है उसी टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। स्पेशली ये क्लास HPSC PGT सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कॉन्सेप्ट, नीड डेटाबेस मैनेजमेंट वर्सेस फाइल मैनेजमेंट, फीचर्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज के क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास डेटाबेस मैनेजमेंट। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है। तो देखिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड होती है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कि इन्फॉर्मेशन बिखरी हुई सी है, कोई मीनिंगफुल नहीं है, और ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि वो आपके एक मीनिंगफुल वे में एक रखी हुई है, आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन। क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन इन सच ए वे दैट यूजर कैन रिट्राइव डेटा क्विकली। ये सब काम हो क्यों रहे हैं, ये सब डेटाबेस DBMS क्यों बन रहे हैं? ये सिर्फ इसीलिए कि यूज़र जो है डेटा को जल्दी से क्विकली और एफिशिएंटली रिट्राइव कर सके। तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या हुआ कि एक डेटा दूसरे डेटा से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट है, तो इन सब इंटर रिलेटेड डेटा की कलेक्शन को क्या कहते हैं? डेटा बेस। इतनी बात आई समझ में? अब ये जो डेटा बेस है इज यूज टू रिट्राइव इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा एफिशिएंटली। मेनली तीन काम कौन से होते हैं? डेटा को इंसर्ट करना, रिट्राइव करना और डिलीट करना। और ये तीनों काम हम अच्छे से करें, हमारे अच्छे से हो जाए, इसीलिए डेटा बेस आया। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म्स ऑफ ए टेबल, स्कीमा, व्यूज एंड रिपोर्ट्स। मतलब कि हम हमारे डेटा को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में देख सकते हैं, टेबल में भी देख सकते हैं, स्कीमा की फॉर्म में भी देख सकते हैं, व्यूज रिपोर्ट्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि मान लीजिए हमारा एक कॉलेज का डेटाबेस है, या फिर अगर आप स्कूल में टीच कर रहे हैं तो एक स्कूल का डेटाबेस है। अब वो डेटाबेस क्या रखेगा कि एडमिन की इन्फॉर्मेशन रखेगा, सारी स्टाफ की डिटेल्स रखेगा, सभी स्टूडेंट्स की डिटेल रखेगा, फैकल्टी की डिटेल रखेगा, कितने स्टूडेंट है, कि कौन सी क्लासेस में कितने स्टूडेंट है, किस स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है, उसके लास्ट क्लास में कितने मार्क्स आए थे, फैकल्टी क्या क्या है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, कौन सी क्लास को टीच कर रहे हैं, क्या उनकी स्पेशलाइजेशन है। ये इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी डेटाबेस में होती है। अब बात करते हैं DBMS की। तो DBMS एक सॉफ्टवेयर है। क्या है DBMS? एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने में यूज़ होता है। क्या होता है? DBMS एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ यूज टू मैनेज दी डेटाबेस। अब हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं हमारे पास? तो देखिए, MySQL, Oracle, MS Access, Ingress, ये सब क्या है? ये DBMS सॉफ्टवेयर्स है जो डेटाबेस को मैनेज करने में यूज़ होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? तो चलिए अब आगे देखते हैं कि जो DBMS है वो क्या करता है। वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। क्या करवाता है? एक इंटरफेस किस लिए?
कि हम उस डेटाबेस पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। उसके लिए क्या प्रोवाइड करवाता है, वो एक इंटरफेस। कौन कौन से ऑपरेशंस, जैसे डेटाबेस क्रिएशन, स्टोरिंग द डेटा, डेटा अपलोड करना, टेबल क्रिएट करना, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। इन सब के लिए DBMS एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इतना हमें समझ आया। अब हमें देखना है कि जो DBMS है भाई, वो एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है तो वो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाएगा डेटाबेस को। सिंपल सी बात है और ये कॉमन सी बात है। और अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो DBMS इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स मतलब क्या, सॉफ्टवेयर। भाई सॉफ्टवेयर भी तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही होते हैं। That enables user to define, create and maintain the database and provides controlled access to database. मतलब DBMS क्या करता है, user को allow करता है क्या करने की, database को create, define और maintain करने की। उसके अलावा वो database को पूरी तरह से control कर सके, इस चीज़ के भी वो allow करता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि DBMS क्या करता है, यूजर को कौन कौन से काम करना। अब चलिए बात करते हैं DBMS के प्राइमरी गोल की। देखिए DBMS के बहुत सारे गोल है, सिक्योरिटी देना, प्रोटेक्शन देना, बैकअप करना, लेकिन प्राइमरी गोल क्या है उसका, तो उसका प्राइमरी गोल है इज टू प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटाबेस इंफॉर्मेशन दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट। मतलब DBMS का जो मेन गोल है वो है कि हम डेटाबेस इंफॉर्मेशन को एक स्टोर करना और रिट्राइव करना कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली। DBMS allows user the following task. अब DBMS user को कौन कौन से task करने की permission देता है, तो देखिए data definition। अब data definition का मतलब है कि हम एक database बना रहे हैं, उस database की एक definition होगी। डेफिनेशन का मतलब कि भाई वो किस टाइप का डेटाबेस है, कौन कौन से वेरिएबल्स उसमें स्टोर होंगे, किस टाइप का डेटा स्टोर होगा उसके अंदर, किस फॉर्म में स्टोर होगा, कौन सी की होगी, कौन सी प्राइमरी की होगी, क्या कौन सा इंडिपेंडेंस वे यूज़ करेगा वो, कौन सा मॉडल यूज़ करेगा, तो ये सब क्या है उसकी डेटा की हम क्या दे रहे हैं, एक तरह से डेफिनेशन दे रहे हैं। और DBMS यूज़र को अलाउ करता है कि वो डेटा की डेफिनेशन को क्रिएट कर सके, मॉडिफाई कर सके और रिमूव भी कर सके, रिमूव भी कर सके। इतनी बात आपको समझ में आई। डेटा डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हम पहले से अपने डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिख रहे हैं। सेकंड, डेटा अपडेशन। अब डेटा अपडेशन का मतलब है कि जो DBMS यूज़र को अलाउ करता है कि वो डेटा इंसर्ट कर सके, एक्चुअल डेटा में कुछ चेंजेस कर सके, या उसको कुछ डिलीट करना है तो डिलीट कर सके, और थर्ड पॉइंट डेटा को रिट्राइव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब DBMS यूज़र को एक एडमिन वाले सारे काम करने अलाउ करता है। एडमिन के कौन कौन से काम होते हैं कि भाई रजिस्टर करना यूज़र को, मॉनिटर करना यूज़र को, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना, रिकवरी करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, ये सारे काम किसके होते हैं, ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। और DBMS यूज़र को एडमिन वाले सारे काम करने की भी परमिशन देता है। तो ये चार काम है जो यूज़र एक DBMS में कर सकता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि DBMS क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और उसके कौन कौन से वो टास्क कर सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम देखते हैं। इतना हो गया, यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, वो है कि DBMS के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका है कि ये एक डिजिटल रिपोजिटरी यूज़ करता है। रिपोजिटरी मतलब जहाँ पे हमारा डेटाबेस स्टोर होगा।
और डिजिटल रिपोजिटरी का मतलब कि ये कहाँ पे स्टोर होगा, सर्वर पे स्टोर होगा, टू स्टोर एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन। मतलब DBMS यूजेज ए डिजिटल रिपोजिटरी एस्टैब्लिश्ड ऑन ए सर्वर। इतनी बात समझ में आई कि हमारा डेटाबेस कहाँ स्टोर होगा, सर्वर के ऊपर, वहीं पे उसको स्टोरेज के लिए स्पेस दिया जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट के बाद हम क्या देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट कि इट कैन प्रोवाइड ए क्लियर एंड लॉजिकल व्यू ऑफ द प्रोसेस दैट मैनिपुलेट्स डेटा। मतलब यहाँ पे हम इजीली हमारे डेटा को एक क्लियर वे में देख सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट बैकअप एंड रिकवरी भी प्रोवाइड करवाता है। फोर्थ पॉइंट एसिड प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। एसिड प्रॉपर्टीज मतलब एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इतना समझिए कि मान लीजिए कोई डेटा करप्ट हो गया तो उसको रिकवर करना, या एक जगह पे डेटा चेंज हो रहा है तो सब जगह पे चेंजेस करना, ये सब एसिड प्रॉपर्टीज में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब एक डेटा के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को भी ये क्या कर देता है, सिंपल बना देता है। इसके अंदर हम सिंपल बना देता है हमारे रिलेशनशिप को। सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि इट इज़ यूज्ड टू सपोर्ट मैनिपुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। उसके अलावा ये सिक्योरिटी भी देता है। एंड नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम जो है, यूज़र जो है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटाबेस को डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ में देख सकता है। वो टेबल में देखना चाहता है, रिपोर्ट में देखना चाहता है, स्कीमा में देखना चाहता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको देख सकता है। इतनी बात समझ आई। अब आगे देखिए DBMS के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज है इसका कि कंट्रोल डेटाबेस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब एक डेटा की बहुत सारी कॉपी होना। अब यहाँ पे जो हमारा डेटाबेस होता है वो एक ही जगह पे स्टोर होता है। इतनी बात समझिएगा, जो हमारा डेटा होता है वो एक ही फाइल में स्टोर होता है, जिसको हम बोल देते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। क्या बोल देते हैं जिसको हम सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अब अगर एक ही जगह पे सारा डेटा स्टोर है तो आप इजीली देख सकते हो कि किसकी डुप्लीकेट कॉपी वहाँ पे बन रही है, और उसको हम यहाँ पे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, डेटा शेयरिंग। मतलब कि जो ऑथराइज्ड यूजर्स है वो डेटा को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थर्ड है इजीली मेंटेनेंस। अब अगर हमारा डेटा भाई एक ही जगह पे स्टोर है तो वो मेंटेन करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। नेक्स्ट है रिड्यूस टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें डेवलपमेंट टाइम और मेंटेनेंस नीड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम लगता है मतलब टाइम इसमें। बैकअप, भाई बैकअप और रिकवरी का ऑप्शन भी यहाँ पे होता है। अगर हमारा कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में फेलियर आ जाता है तो हम हमारे डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट क्या है, मल्टीपल यूज़र इंटरफेस। मतलब कि हमारे पास जैसे GUI, API, डिफरेंट डिफरेंट इंटरफेस भी ये प्रोवाइड करवाता है। डिसएडवांटेज की बात अगर करें तो सबसे पहला होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि हमें एक हाई स्पीड का प्रोसेसर चाहिए और उसके अलावा लार्ज मेमोरी साइज भी चाहिए होता है। सेकंड साइज के लिए यहाँ पे देखिएगा कि इट ऑक्यूपाइज अ लार्ज स्पेस ऑफ डिस्क एंड लार्ज मेमोरी। साइज भी क्या चाहिए इसको, काफ़ी ज़्यादा चाहिए, और उसके लिए उस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा सिस्टम। अगर आपका डेटाबेस काफ़ी साइज में बड़ा है तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम की वजह से, इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से या डेटाबेस करप्शन की वजह से हमारा सिंगल डेटाबेस ही डैमेज हो गया तो हमारा डेटा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी नीड क्यों हुई, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, उससे पहले कौन सी अप्रोच यूज़ होती थी।
तो देखिए DBMS से पहले जो एक ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ होती थी उसका क्या नाम था, फाइल सिस्टम। आपने देखा भी होगा कि कंप्यूटर के आने से पहले हमारा जितना भी रिकॉर्ड होता था हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं पर भी कोई भी रिकॉर्ड होता था वो फाइल्स की फॉर्म में होता था। किसकी फॉर्म में स्टोर होता था, वो फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता था। अब आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर डेटा फाइलों की फॉर्म में स्टोर है, मतलब कि जिसको आप पेन पेपर से आपने लिखा है, तो उनके अंदर कितने चांसेस होते हैं हमारे डेटा के लॉस्ट होने के, करप्ट होने के। अब इतनी डिटेल में तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे कि भाई एक फाइल में क्या क्या डिलीट हो सकता है। आप खुद देख सकते हो, मान लीजिए फाइल आपने 10 फाइलें बनाई, उसमें डुप्लीकेट डेटा भी आ सकता है ना। पूरी फाइल ही खराब हो गई, पानी गिर गया, फट गई, खराब हो गई, तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोनों की डिफरेंस की। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम और DBMS, तो देखिए जो DBMS है वो क्या है, इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा। फाइल सिस्टम भी कलेक्शन ऑफ डेटा है, लेकिन DBMS के अंदर हमें सब कुछ मैनुअली लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सम करने के लिए फंक्शंस बने हुए हैं, मैथमेटिकल के जितने भी फंक्शंस हैं वो पहले से अवेलेबल है, चार्ट अवेलेबल है, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है, बस हमें उन ऑप्शंस को यूज़ करना है और डेटा की एंट्री करनी है। लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर हमें सब कुछ मैनुअली लिखना होगा। अगर आपको चार्ट बनाना है तो आप चार्ट भी खुद बनाएंगे, कोई मैथमेटिकल फंक्शन करना है तो वो भी खुद करेंगे। DBMS के अंदर हमारी फाइल सारी एक सिंगल डेटाबेस में स्टोर होती है, इसीलिए उसको शेयर करना इजी हो जाता है। लेकिन फाइल सिस्टम में हमारी फाइलें बहुत सारे फाइलों में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, मान लीजिए 1000 फाइलों के अंदर हमारा डेटा स्टोर है। अब उनको शेयर करना क्या हो जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि जो DBMS है वो सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है, लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। आप सिंपली फाइल में अपना डेटा लिखिए, डेटाबेस स्टोर करिए और उसको जब चाहे जो भी चाहे उसको कोई भी देख सकता है, उस डेटा को यूज़ कर सकता है, मिसयूज़ भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट आता है डेटा अब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो DBMS है उसके अंदर कुछ डिटेल्स ऐसी होती है हमारे डेटाबेस में जो यूज़र के काम की नहीं है, या फिर हम कहें कि सेंसिटिव डिटेल्स है, तो वो हाइड कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर आपने जितना भी डेटा मेंशन किया है, सारा का सारा डेटा यूज़र को दिखाई देता है, आप उसमें कुछ भी हाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिकवरी मैकेनिज्म। रिकवरी का मैकेनिज्म का मतलब कि अगर हमारे DBMS है वो क्या कर रहा है, आपको एक रिकवरी मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपका डेटाबेस में कोई डेटा फेल हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर अगर कोई डेटा आपका डिलीट हो गया, लॉस्ट हो गया, या फिर हम कहें कि मान लीजिए पानी गिर गया, तो क्या हो गया, वो डेटा हमारा एक तरह से ख़राब हो गया, जिसको हम दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। आपको फिर से वो डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मैनिपुलेशन टेक्निक्स। क्या आती है मैनिपुलेशन टेक्निक्स? DBMS में हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती है डेटा को स्टोर और रिट्राइव करने की, लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर डेटा को स्टोर करना और रिट्राइव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आपकी फाइलें बहुत, आपका डेटा बहुत सारी फाइलों के अंदर स्टोर है, आपको किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे हमारा एक तो टाइम वेस्ट होता है, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, और ज़रूरी भी नहीं है कि हम उसको टाइम पे डेटा को रिट्राइव कर सकें। इतनी बात आपको समझ आई? या फिर हम कहें डेटा को हमें अपडेट करना है किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद आती है कॉन्करेंसी प्रॉब्लम। कॉन्करेंसी प्रॉब्लम DBMS के अंदर देखिए
हमें कॉन्करेंसी जैसी कोई प्रॉब्लम कम ही आती है, क्योंकि DBMS के अंदर काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कॉन्करेंसी को मैनेज करने का। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो आपने कई एक इन्फॉर्मेशन कहीं से डिलीट कर दी, तो DBMS के अंदर वो एक इन्फॉर्मेशन हर जगह से वो डिलीट हो जाएगी। मतलब आपने किसी रोल नंबर को डिलीट कर दिया, वो स्कूल छोड़ के चला गया, आपने उस रोल नंबर को डिलीट कर दिया, तो वो रोल नंबर क्या होगा, हर जगह से क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर फाइल सिस्टम में हमने किसी एक इन्फॉर्मेशन को डिलीट किया, तो हमें मैनुअली जाके हर जगह से उसको डिलीट और अपडेट करना पड़ेगा। ये गारंटी भी नहीं है कि वो हर जगह से हम उसको कर पाएंगे, क्या पता कहीं ना कहीं कुछ रह जाए। उसके बाद आता है वेयर टू यूज़। अब देखिए, DBMS तो आजकल हर जगह पे ही यूज़ हो रहा है। फाइल सिस्टम पहले यूज़ होता था, अर्लियर हम क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे फाइल सिस्टम का। लेकिन अगर आज की डेट में आप देखें तो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, या फिर कोई सुपर मॉल हो, हर जगह पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, DBMS का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कोस्ट। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, DBMS क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव, और फाइल सिस्टम क्या है, चीपर है। डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी DBMS में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फाइल सिस्टम में हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ पे चांसेस होते हैं कि हमारे डेटा की डुप्लीकेसी हो या फिर हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट हो। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर। एक DBMS को डिज़ाइन करना, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन फाइल सिस्टम का सिंपल होता है। DBMS में हमारे पास टू टाइप्स के डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं, लॉजिकल और फिजिकल। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। फाइल सिस्टम में कोई डेटा इंडिपेंडेंस नहीं होती। डेटा मॉडल, अब DBMS में तीन टाइप के मॉडल यूज़ होते हैं, रिलेशनल, हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल, लेकिन फाइल सिस्टम में डेटा मॉडल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। DBMS जो है फ्लेक्सिबल है, उसमें हम इजीली चेंज कर सकते हैं, फाइल सिस्टम में डिफ़िकल्ट होता है चेंजेस को करना। उसके अलावा इंटीग्रेटी, फाइल जो DBMS है उसमें हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रिटी को, लेकिन फाइल सिस्टम में डिफ़िकल्ट होता है। इंटीग्रिटी मतलब करेक्टनेस, एक्यूरेसी। एग्जांपल की अगर बात की जाए तो DBMS के एग्जांपल ओरेकल, SQL सर्वर, सीबेस। फाइल सिस्टम के हैं कोबोल और C++। ये थी आज की हमारी क्लास, DBMS का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।